उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल नवाचार से सुशासन की ओर के तहत नए ऐप को लॉन्च किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि निर्मित विभिन्न पोर्टल से लोगों को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि इस ऐप के जरिए पेंशन धारकों को भी सुविधा मिल सकेगी, अब लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब राज्य सरकार आज इस नवाचारी पहल का जो आरंभ करने का दिन है और निश्चित रूप से इस दिन से बहुत सारी सेवाएं हमारे सेवा प्राप्त करने वालों को उनके घर में बैठे हुए प्राप्त हो पाएंगी। अभी जो पेंशन वाला मैं देख रहा था, जब आपने मेरे हाथों उसको लॉन्च करवाया तो शैलेश जी बता रहे थे कि पहले पेंशन प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पेंशन आप सब जानते हैं कि पेंशन प्राप्त करने वाले अधिकांश वो लोग होते हैं जिनकी आयु काफ़ी हो गई होती है और उनको कई जगह अपने प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि आज इस सेवा के प्रारंभ हो जाने से उनको बहुत आसानी होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि ITDTA आज की इस तेज़ी से बदलती हुई जो सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया है, IT का ये बड़ा संसार है, नवाचार का एक बड़ा युग है, उसमें बहुत अच्छा काम आप लोगों ने करा है। आप देख रहे हैं पहले भी अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से और अन्य जो सेवाएं हम उत्तराखंड राज्य में दे रहे हैं उसके कारण से देश के अंदर हमें एक अग्रणी स्थान मतलब चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं और हम सबका ये उद्देश्य भी है कि इस डिजिटल युग में अपने राज्य को इस डिजिटल क्रांति में और डिजिटल के क्षेत्र में भी एक मॉडल के रूप में हम इसको बनाएं, क्योंकि आज धीरे धीरे हम सभी क्षेत्रों में जब प्रयास कर रहे हैं तो सभी जगह पर हमको आसानी से अपने राज्य को एक मॉडल बनाने के लिए, और मॉडल केवल राज्य के लिए नहीं, मॉडल पूरी देश दुनिया के लिए बनाने के लिए अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत आसानी से हम उस दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसमें भी, क्योंकि इस डिजिटल की क्रांति में भी और डिजिटल क्षेत्र में भी हम सबके प्रयास से जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, जो काम को बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनकी हमारी सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि राज्य की डिजिटल क्षेत्र की क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है। क्रीम सब जानते हैं ना, तो आनंद जी ने कहा कि मंथन के बाद ही क्रीम बनती है, तो इतना सारा मंथन हुआ है और हमारा राज्य इतना बड़ा है, राज्य के अंदर इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों में से हम यहाँ पर कुछ सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप सब लोगों को मैं क्रीम कह रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना।